हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू एवरीवन? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम स्ट्रक्चर रिलेटेड विद ट्रांसलेशन। हमने ट्रांसलेशन का कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बताया था, आज स्ट्रक्चर बेस्ड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आज देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉमन स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर ये निकला। आज हम लोग फुल सेंटेंस की बात करेंगे, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू बी, कि हाउ टू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। यहीं से हम लोग सेंटेंसेस निकालेंगे, स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से पहला स्ट्रक्चर हमारा, अगर सपोज करो यू हैव आइडिया अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बता रखा है कि सब्जेक्ट के जगह पे किसी नाउन को रखना है या आइदर यू कैन प्लेस प्रोनाउन। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना था। द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू टॉक, पहला जो स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूँ, दैट मीन्स सब्जेक्ट, इसका बताया भी था, दैट मीन्स इज एंड आर, इज एम आर प्लस नाउन, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है और प्लस नाउन है, और नाउन होगा डैट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, ए और एन का इस्तेमाल होगा, देन नाउन का इस्तेमाल होगा। अगर ये है आर्टिकल तो लगता ही है, एक मॉडिफाई करता है हमारा, डिटरमाइनर कहलाता है, आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर। अब यहाँ पे नाउन है, नाउन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जनरली नाउन है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कुछ भी हो सकता है, जैसे ही इज मोहन, तो ही एक प्रोनाउन हो गया, इज हो गया, उसके साथ मोहन लग गया, तो ही इज मोहन भी बोल सकते हो। अगर मैंने अभी इस पे एग्जांपल्स में बोल रहा हूँ ही इज मोहन, अगर मैंने बोला कि ही इज मोहन, तो देखो यहाँ पे मोहन एक नाउन है, ही एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में क्या बन गया, प्रोनाउन हो गया, कि ही जो यहाँ पर है दिस इज अ प्रोनाउन और मोहन एक नाउन के फॉर्म में। नेक्स्ट वन, जैसे अगर यही चीज बोलता कि मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन इज ए डॉक्टर, तो मोहन एक डॉक्टर है, तो मोहन एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी यहाँ पे नाउन है, इट्स अ कॉमन नाउन, और यहाँ पे मोहन एक प्रॉपर नाउन के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में भी हमें नाउन प्रोनाउन को रखना है, और यहाँ पर भी हम लोग नाउन को रख सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में मोहन है, तो ही एक प्रोनाउन है जो, और मोहन इज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे भी लास्ट में मोहन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। That means is, this is the first structure. आप जो ये structure कहलाता है, वो किसका कहलाएगा? This is a structure of to be. To be का मतलब मोहन के बारे में बात हो रहा है, मोहन का कुछ होने का बोध कर रहा है, मतलब this is the structure of to be. और to be का मतलब being, मोहन है, तो he is मोहन, उसके बारे में बात हो रहा है, मोहन is a doctor, तो मोहन के बारे में, तो to be का present form है, to be है, और to be का present, मैं बता रहा हूँ कि to be का present form कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टू बी, टू बी का हम लोग प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, कि टू बी का प्रेजेंट फॉर्म कैसे यूज किया, तो ही इज मोहन, मोहन इज अ डॉक्टर, इस तरह से हमने यूज किया। नेक्स्ट वन, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, अगर आई लिखते हो तो आई एम अ स्टूडेंट, इस पे आप आई एम अ स्टूडेंट। अगर लिखते हैं वी, वी के साथ आर, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किसके साथ ही सकते, वी आर स्टूडेंट्स, तो इसके साथ स्टूडेंट्स होगा। अगर लिखते हैं सी, तो सी इज अ सिंगर, सी इज अ सिंगर, तो इस तरह से लिखा, सी इज सीता, तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से। दे आर फार्मर्स, तो इस तरह से दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी, मतलब दुनिया में जो भी चीज है, एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो भी चीज है उसके बारे में पहले बोलना है, इसमें देयर विल बी नो अदर वर्ब, कोई और दूसरा चीज इस्तेमाल नहीं करना, ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन, इज एम आर, ए एन आर्टिकल, और यहाँ पे भी नाउन का रूप में होगा। तो इस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करना, तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर है। दिस इज द फर्स्ट, अब इस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन सकता है, ये सारे सेंटेंस जो रिलेटेड हैं वो इस पे बना करके सेंड करता है। नेक्स्ट वन, द
दूसरा स्ट्रक्चर, दिस इज द सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषताएं, उसकी विशेषता को बताता। तो पहले राम के बारे में बताया, अब अगर यहाँ पे लिखा कि सीता इज हैप्पी, तो हैप्पी दैट मीन्स इट्स एडजेक्टिव। राम इज, यू आर सैड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ही इज अ फार्मर, he is a farmer, ऐसे बोल, he is honest, वह ईमानदार है, they are poor, वे लोग गरीब हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, I am well, मैं अच्छा हूँ, I am here, तो इस तरह के सारी चीजों को, उसकी विशेषताओं को बताना है, that means adjective का बोध कराना। तो नेक्स्ट वन पहला हो गया ये, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड। तो स्ट्रक्चर बेस्ड हमें सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना है कि कैसे स्ट्रक्चर बेस्ड बनेगा। द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन आर्टिकल एंड नेक्स्ट वन नाउ, तो दैट मीन्स इट्स अ टू बी, टू बी का प्रेजेंट फॉर्म है। नेक्स्ट वन सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, तो नेक्स्ट इस तरह, तो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर निकालना है। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो 100% विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट द एनिशन। दिस इज द स्मॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का भी शुरुआत यहाँ से होता है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, ये सारे सेंटेंसेस हम लोग बनाना सीखते हैं। तो यहीं से सेंटेंसेस का शुरुआत होता है। एंड द नेक्स्ट वन थर्ड स्ट्रक्चर, अगर थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो तीसरा स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, दैट मीन सब्जेक्ट इज एट आ, देन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल का भी इस्तेमाल करना, ए एन, देन नेक्स्ट वन एडजेक्टिव प्लस नाउन, दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर इस पर बनाते हैं, दैट मीन्स अगर बोला राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, He is a brave boy. She is a beautiful girl. Beautiful girl. That means noun भी है, noun के पहले उसकी विशेषताओं को बताना है, that means तो आर्टिकल का भी यूज करना है। That is a big temper. That is a big temper. तो लास्ट वाला जितना भी वर्ड है, बॉय, गर्ल, टेम्पल, ऑल दीज आर द नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, और नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, देन यू विल हैव टू यूज आर्टिकल। तो यहाँ पे मस्ट यूज आर्टिकल, तो आप आर्टिकल का यूज कर, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इस पे तो एक ही स्ट्रक्चर से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ से भी हम लोग स्ट्रक्चर को निकालते हैं, यहाँ से भी स्ट्रक्चर निकला, यहाँ से भी स्ट्रक्चर निकला, इस तरह से देर आर थ्री स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर्स हुआ, ये तीनों स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट वन हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड, थर्ड वन, एंड द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस इज एंड आ, देन आर्टिकल, देन एडवर्ब, एडवर्ब का भी इस्तेमाल करना है, देन एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करना है, प्लस नाउन का भी। तो इस पे भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे ही इज अ वेरी ब्रेव बॉय, ही इज अ वेरी ब्रेव बॉय, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, that is a very big temper, that is a very big temper। तो इस तरह से फोर्थ स्ट्रक्चर से, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ स्ट्रक्चर।
Can listen everyone very clearly. This is the first structure. First of all, हम लोग this is the common structure. Subject, verb, object. Subject होगा, verb है, verb के बाद object है. हम लोग देखो यहाँ से बहुत सारे structures हमने निकाला है and इसी structure based आपको translation, structure based अगर आपको समझ if you are able to understand sentences based on structure. अगर structure के आधार पे अगर समझ सकते हो तो आसानी से कोई भी चीज़ समझ. देखो एक कॉमन, दिस इज अ कॉमन, यहाँ से निकला सब्जेक्ट के साथ अगर इज है मार दिया हुआ और कोई भी देयर विल बी नो एनी अदर वो कोई भी दूसरा वर्ब यूज नहीं करना और अगर लास्ट में नाउन हो तो आर्टिकल है और ये सब जितने भी स्ट्रक्चर है दैट इज टू बी. टू बी का प्रेजेंट, टू बी का मतलब है कि किसी होने का बोध कराना है. इट्स अ बीइंग मतलब किसी दुनिया का जो भी चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हो. तो इसे अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस जैसे आई एम वेल, यू आर अ स्टूडेंट, सी इज अ सिंगर, सी इज अ डॉक्टर, ही इज अ फार्मर, ही इज मोहन, यू आर रोहन, कुछ भी सेंटेंस. बस ध्यान रखना है वो ये कि इज किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, कौन से पर्सन के लिए इज लगेगा, किस पर्सन के लिए एम लगता है, किसके लिए आर का इस्तेमाल करना है. तो इज एम आर किसके लिए इस्तेमाल करना है. अगर यही चीज एडजेक्टिव बोलते, यहाँ पे बोला राम इज ए स्टूडेंट और अगर बोला कि राम इज हैप्पी, राम इज सैड, राम इज ब्रेव, राम इज पुअर, राम इज रिच, तो इस तरह से बोला दैट मीन्स. तो एडजेक्टिव उस पहले दुनिया में जो भी चीज़ है उसके बारे में बोला, फिर उसकी विशेषताओं को बताना. डैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग द एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा अगर ओनली एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव के बाद अगर कुछ नहीं है देर विल बी नो एनी आर्टिकल विल यूज, कोई आर्टिकल इसके बाद यूज नहीं होगा. थर्ड वन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आर्टिकल देन एडजेक्टिव. अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और तब आर्टिकल का यूज होगा. जैसे सी इज, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर पे आपको बनाओगे. फिर इसी चीज में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आर्टिकल एडजेक्ट एंड वर्ब देन एडजेक्टिव देन नाउन. तो नाउन भी अगर है एडजेक्टिव भी है. जो एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव को भी और मॉडिफाई करता है. जैसे अगर बोला कि राम इज अ डॉक्टर, राम इज हैप्पी, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज अ वेरी, ए लगाना है. आर्टिकल का ध्यान रखना है कहाँ पे लगता है. जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होगा डेट इज एल का इस्तेमाल करना. जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे वेरी जो हो गया, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नाउन. तो तीनों कंडीशन आपको चार स्ट्रक्चर से मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा आज डिटेल्स भी बताया. नेक्स्ट वन, दो स्ट्रक्चर्स और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपका निकल रहा है. दैट मीन्स नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल हो सकता है. आपको प्रीपोजिशंस का भी इस्तेमाल हो सकता है. आप प्रीपोजिशन का मतलब है जैसे इन होगा, एट होगा, ओवर होगा, बिलो होगा, ये सब चीज़ों का भी इस्तेमाल हो सकता है. तो आपको इनटू भी होगा, ये सारी चीज़ें भी यूज करना है. देन अदर वर्ड आप समझ लो, जैसे मैं अभी घर पर हूँ. तो यहाँ पे मैं अभी घर पर हूँ अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं अभी, किसी ने पूछा वेयर आर यू, आपने बोला मैं अभी घर पर हूँ. तो घर पर मतलब कि कहीं भी आप किसी भी रूम में हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा और ध्यान डिफरेंस आपको समझ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन, एट, ओवर, बिलो. किसी चीज के जैसे पानी बोतल में है, तो द वाटर इज इन द बोतल. तो वाटर के पानी जो है किसी चीज के है तो वहां पे लगाएंगे. अब मैं घर पर हूँ तो आई एम एट होम. मैं घर पर हूँ, घर पर कहीं पर भी हूँ, किसी रूम में, तो एट लगाना है. ऑन रहता है तो ऑन का इस्तेमाल कहाँ होगा, इन का इस्तेमाल कहाँ होगा, ओवर का इस्तेमाल क्या होगा. और इस स्ट्रक्चर पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको फिर एग्जांपल्स दे रहा हूँ. तो चार स्ट्रक्चर डिस्कस किया है. अब देखो इसके बहुत सारे कुछ सेंटेंसेज हम लोग बनाते हैं. जैसे किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल. द
बुकीज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑल क्यों लगा, तो सब्जेक्ट है, फ्रीज है, फिर प्रीपोजिशन का यूज। ऑल का मतलब जब भी कोई एक ऐसी वस्तु जो किसी चीज पर स्थिर अवस्था में, मतलब स्टैटिक है, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, मूवमेंट नहीं हो रहा है कहीं पे, तो स्थिर अवस्था में स्टैटिक रखा हुआ है, स्थिर है, तो दैट इज ऑल। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है, तो द बुक इज ऑन द टेबल। पंखा सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर द हेड, द फैन इज ओवर द हेड। ओवर का मतलब हो गया ऊपर, सर के ऊपर है, पंखा सर के ऊपर है। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूं, तो क्या बोलोगे, जैसे किसी पूछा आई एम, आई एम इन द मार्केट, जैसे मैं मार्केट में हूँ, मैं बाजार में हूँ, तो मार्केट में कहीं पे एक पार्टिकुलर एरिया पे है, किसी क्षेत्र में है कहीं पे, तो आई एम इन द, तो मार्केट जो होता है वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर होता है, उसके अंदर, उस एरिया के अंदर ही मार्केट होता है। आप सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, तो कितने दूर के अंदर वेजिटेबल्स लगा हुआ, ऐसा नहीं है कि सारे जगह सब्जी ही लगा हुआ, तो एक पार्टिकुलर जैसे क्लोज एरिया के अंदर आता है, डेट इज इन का इस्तेमाल करना है। तो पानी बोतल में है, तो बोतल जो है एक क्लोज सरफेस है, तो द वाटर इज इन द बोतल, द वाटर इज इन द बोतल, पानी बोतल में है। बिलो ही इज मोहन इज बिलो, बिलो का मतलब नीचे के, बिलो द बेंच, बिलो द बेंच, बिलो द टेबल, टेबल भी बोल सकते हो, टेबल के, मोहन टेबल के बिलो है, मतलब नीचे। वन नॉलेज के लिए भी बिलो का यूज किया जाता है, तो आपको यू मस्ट हैव आइडिया इन, एट, ओवर, बिलो, इनटू, तो ये सारी चीज़ों का प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बारे में प्रीपोजिशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो क्लियरली होगा, बट छोटी छोटी चीज़ें आपको टू बी के साथ भी यूज करना है, कि मोहन इज बिलो द टेबल, द वाटर इज इन द बोतल, आई एम इन द मार्केट, द फैन इज ओवर द हेड, द बुक इज ऑन द टेबल। विद का भी इस्तेमाल करना है, जैसे मैं मोहन के साथ हूँ, आई एम विद मोहन, मैं मोहन के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू। विद का मतलब साथ में, तो साथ के साथ तुम अभी कहाँ हो, तो मैं अभी मोहन के साथ हूँ, आई एम विद मोहन। तो इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है, एक स्ट्रक्चर, तो देखो फाइव स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किया है, ये पांचों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोग हर तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। तो टू बी पे आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है। अब देखो इसका कॉमन स्ट्रक्चर टू बी का मैं लिख रहा हूँ, पहला रूल, द फर्स्ट रूल वी आर टॉकिंग अबाउट द टू बी, टू बी का पॉजिटिव आपको समझना है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द, दैट मीन्स सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर। अब इसके अंदर आपको अदर वर्ड्स के रूप में आपको बहुत सारा आर्टिकल भी आ सकता है, आपको प्रीपोजिशन भी आ सकता है, तो ध्यान रखना कि कोई एक आएगा आर्टिकल आ रहा है तो प्रीपोजिशन का, तो इस तरह से आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल करना है, नाउन का भी, तो बहुत सारा ये अदर वर्ड आप कर सकते हो, अदर वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज है वहाँ प्लस, अब अदर वर्ड में सिर्फ नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव होगा। अब इसमें ध्यान रखना कि अगर नाउन हो गया तो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, तो पांचवे, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ टू बी, टू बी का कॉमन स्ट्रक्चर है, और इसी से सारे स्ट्रक्चर, अब अदर वर्ड का मतलब है प्रीपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। अगर सिर्फ नाउन रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ ओनली एडजेक्टिव, देयर इज ओनली एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है सिर्फ, तो क्या होगा, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव है, नाउन है, देन क्या होगा, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, तो सारी चीज़ों का दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर।
तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स आपको समझना है कि पॉजिटिव क्या है, टू भी मतलब किसी के बारे। अब इस पे अप्रॉक्सीमेटली आप जितना यू कैन ट्रांसलेट मोर एंड मोर सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस पे आप बनाने की कोशिश कीजिए और बना करके आई विल सेंड यू असाइनमेंट। कोई भी ट्रांसलेशन का बुक निकाल लीजिए, उसका पहला चैप्टर जनरली टू भी है, टू भी पे आप बहुत दो भी आसपास की चीज़ें हैं उस पर सेंटेंसेस बना करके भेज सकते हो। आप देखो दिस इज द निगेटिव, नेक्स्ट वन आप निगेटिव टू बी का निगेटिव की अगर बात करें तो निगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, तो निगेटिव स्ट्रक्चर का है दैट इज द सब्जेक्ट। अगर निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज इज एम आर, देन नॉट का इस्तेमाल करना है एंड देन अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। अदर वर्ड आगे कुछ भी पार्ट हो सकता है निगेटिव। अब अगर इस पर पाँचों स्ट्रक्चर के थ्रू मैं बताऊँ, जैसे अगर बोला मोहन इज नॉट ए फार्मर, अब मोहन इज ए फार्मर, अब मोहन किसान है, मोहन किसान नहीं है, तो मोहन इज नॉट ए फार्मर। अब यहाँ पे नाउन आ गया तो आर्टिकल रहेगा, सब में नॉट का इस्तेमाल करना है। सी इज नॉट ए सिंगर, सी इज नॉट ए सिंगर, इस तरह के सेंटेंस निगेटिव में बना सकते हो। ही इज, दे आर not, they are not businessman, वे लोग व्यापारी नहीं है, they are not businessman, they are not a businessman, वो लोग they are not business a businessman, वे लोग व्यापारी नहीं है। you are not a doctor, नेगेटिव सेंटेंसेस यू कैन ट्रांसलेट, नेगेटिव भी बना सकते हो। अब इसी का एडजेक्टिव रहेगा, जैसे मोहन इज नॉट सैड, तो यहाँ पे सैड मोहन उदास नहीं है। सी इज नॉट इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, नाउन का भी इस्तेमाल करना है। यू आर नॉट ब्रेव, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना है, पॉजिटिव निगेटिव भी बना सकते हो। जैसे राम इज नॉट अ ब्रेव बॉय, अब यहाँ पे नाउन का भी सब में निगेटिव है, पॉजिटिव का ही नॉट लगा दिया, देन इट बिकम्स अ निगेटिव सेंटेंस। सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर नॉट, अगर वेरी एडवर्ब का भी यूज, यू आर नॉट वेरी, राम इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह से बना सकते हो। सीता is not a brave girl. मैं अभी घर पर नहीं हूँ, I am not at home. अब negative use करता है तो I am not at home, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, I am not with you. मैं मोहन के साथ नहीं हूँ, I am not with Mohan. She is not in the school. Okay, it's clear. तो देखो negative sentence मैंने बहुत सारा बनाया, तो what is the structure of to be का negative बनाना हुआ, तो first of all you have to use subject. Subject के साथ ही जब are not other word. Other word में सिर्फ noun हो सकता है, now adjective only हो सकता है, noun adjective plus noun दोनों हो सकता है, article सारे हो सकते हैं। अब इसके अंदर कैसे बनाना, मोहन इज नॉट ए फार्मर, सी इज नॉट ए सिंगर, दे आर नॉट अ बिजनेसमैन, मतलब मोहन एक किसान नहीं है, वह एक गायिका नहीं है, वे लोग व्यापारी नहीं, वे लोग व्यापारी नहीं है। यू आर नॉट ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। मोहन इज नॉट सैड, मोहन उदास नहीं है। सी इज नॉट इंटेलिजेंट,
वह खुश नहीं, तेज नहीं है, यू आर नॉट ग्रेट, तुम बहादुर नहीं हो, राम इज नॉट ए ब्रेव बॉय। अब यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, नाम भी, नाउन भी है, राम एक बहादुर लड़का नहीं है, सी इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की नहीं है, राम इज नॉट ए वेरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव है एंड नाउन भी है, राम इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, सीता इज नॉट ए ब्रेव गर्ल, सीता एक बहादुर लड़की नहीं है, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट विद मोहन, मैं मोहन के साथ नहीं हूँ, सी इज नॉट इन द स्कूल, वह स्कूल में नहीं है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव वी हैव कम्प्लीटेड दो स्ट्रक्चर, इस पर बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और एक ही स्ट्रक्चर से बहुत सारे स्ट्रक्चर निकलता है और उससे बनता है। तो फ्रेंड इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करता है, तो आंसर हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं या तो निगेटिव। जैसे कोई किसी ने पूछा वे आर यू, आपने बोला आई एम इन द मार्केट, किसी ने पूछा आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो, नहीं मैं घर पर नहीं हूँ, नो आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ, क्या तुम मोहन के साथ हो, आर यू विद मोहन, नो आई एम नॉट विद मोहन, इज दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी कलम है, नो दिस इज नॉट माई पेन, इज दैट अ टेम्पल, क्या वह टेम्पल है, यस दैट इज अ टेम्पल। That means इस तरह से किसी ने क्वेश्चन किया तो आंसर आपको ऑलवेज आइदर इन पॉजिटिव आइदर इन निगेटिव। जो भी किसी ने क्वेश्चन किया तो आंसर हमेशा क्या तुम्हारे पिताजी घर पर है, इज योर फादर एट होम, नो माई फादर इज नॉट एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है, इज योर फादर ए डॉक्टर, नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर, इज योर मदर अ हाउस वाइफ, यस माई मदर इज ए हाउस वाइफ, इज योर मदर ए टीचर, क्या तुम्हारी माँ एक शिक्षक है, नो माई मदर इज नॉट ए टीचर। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव या निगेटिव, आंसर हमेशा हाँ में देना है या ना में होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे, तो बाहर दुनिया में जो भी चीज़ टू भी किसी चीज़ के बारे में बोलना, उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर निगेटिव स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेज बनाना, और ध्यान रखना है लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज हम लोग बना सकते हैं, तो बहुत सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं। आई विल सेंड यू असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा ऑक्सफोर्ड के बुक, किसी भी बुक में कोई भी ट्रांसलेशन बनाने की जो शुरुआत होता है वो यहीं से शुरुआत करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेज हम लोग बनाना सीखते हैं। तो दो स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि पॉजिटिव और निगेटिव, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द टू बी, हम लोग टू बी के बारे में बात कर रहे हैं, टू बी का प्रेजेंट फॉर्म हमने देखा, टू बी का प्रेजेंट फॉर्म हमने अभी बात किया, और इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर दैट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको तीन नाम से हम लोग जानते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, तीनों नाम से कर सकते हैं। तो पॉजिटिव एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज असर्टिव, कैन से असर्टिव, एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट देन इज, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर इज अबाव प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपको ध्यान रखना है नाउन भी अकेला हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है अकेला, या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, आर्टिकल, तो अदर वर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। इट्स निगेटिव स्ट्रक्चर हमने देखा कि निगेटिव का क्या है, तो निगेटिव हमने बनाया सब्जेक्ट देन इज एम, आप प्रेजेंट में इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं करता है, देन नॉट प्लस अदर वर्ड, ये दो चीज़ें देखा, ये दोनों पे हमने देखा। नाउ वी आर कमिंग ऑन द इंट्रोगेटिव, अब हम लोग क्वेश्चन पूछना सीखे, तो आंसर पॉजिटिव स्ट्रक्चर निगेटिव स्ट्रक्चर हमने बनाया, अब इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का थोड़ा सा मैं आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, एक सेंटेंस जिससे क्वेश्चन का बोध कराता है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है, दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस करने का बोध होता है तो उससे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग एक क्वेश्चन मार्क से लास्ट में यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाने का दो रूल्स है, पहला इसमें जो हेल्पिंग वर्ब उसको आगे कर देना है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे अब हम लोग बनाएंगे, इस जैसे किसी
किसी ने बोला क्या या इज एम आर को पहले कर देना, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया इज एम आर पहले वर्ब है, इसको आगे रख करके बढ़ाने की कोशिश करना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या यह तुम्हारी कलम है, इज दिस योर पेन, इज दिस अ पेन, क्या यह कलम है, इज दिस अ पेन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना है कि हम लोग सेंटेंसेस इस तरह से कैसे बने, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो भी है सेंटेंस बस उसको आगे करना और क्या से जो भी वर्क शुरू होगा, अगर अकॉर्डिंग टू हिंदी हम लोग समझे तो किसी भी वर्क में क्या लगा देना है, तो क्या का इस्तेमाल कर देना हमें कि क्या लगा के बोलना है, तो क्या बस क्या जोड़ देना है। अब जैसे आपने बोला मोहन, तो अगर इसमें हमने बोला मोहन एक छात्र है, तो मोहन एक छात्र है, अब इसमें क्या जोड़ दीजिए, आगे कुछ नहीं करना है, यू हैव टू ऐड ओनली क्या, तो क्या मोहन एक छात्र है, बस इसको हम लोग को समझना है। तो मोहन एक छात्र है, दिस इज अ पॉजिटिव, आप क्या मोहन एक छात्र है, बस क्या जोड़ दीजिए, बट क्या का इंग्लिश नहीं बनाना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, क्या का या व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना है, यू हैव टू यूज ओनली हेल्पिंग वर्ब। अब मोहन है, मोहन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज का इस्तेमाल करना है, तो इज मोहन अ स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन किया, अब इसका आंसर देना, तो अब हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे कि हाउ टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, इसी तरह का क्वेश्चन पूछना कैसे, तो जिसमें भी क्या से लगा दोगे, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, किसी से क्वेश्चन करना सीखना है। इज दैट अ टेम्पल, क्या वह एक मंदिर है, अब इसका आंसर फिर देना हम लोग पॉजिटिव निगेटिव में सीखेंगे, तो इस तरह से यूज करना है। आप इसके साथ अब पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आपको बताएंगे, जैसे देखो क्या यह इज दैट योर हाउस, इज दैट योर स्कूल, इज दैट योर स्कूल, क्या वह तुम्हारा स्कूल है, आपने आंसर, तो यहाँ पे योर माई का भी इस्तेमाल करना सीखना है, यस दैट इज माई स्कूल, तो यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, तो ये इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम लोग बनाएंगे। तो टू बी, दिस इज द वेरी, अगर एक बार टू बी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, टू बी के सेंटेंसेस समझ में आ गया, प्रेजेंट, अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सेंटेंस, हम लोग टू बी का प्रेजेंट फॉर्म देख रहे हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग किसी भी तरह के सेंटेंस को समझ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग इतना पे असाइनमेंट बने, इसका वीडियो भी मैं भेज दूंगा और सारे सेंटेंस बना करके पॉजिटिव निगेटिव कम से कम एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस छोटे छोटे किसी भी बुक से अपना सेंटेंस सोच करके मुझे सेंड करो। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द टू बी का इंट्रोगेटिव, पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको कम्प्लीटली, फिर उसके बाद डब्ल्यू एस सेंटेंस का भी डिस्कस करेंगे, तो आई विल सेंड यू ट्रांसलेशन भी भेजेंगे और आपको बनाएंगे बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, हैव ए नाइस।